हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर डेली एमपीपीएससी एमसीक्यू पार्ट नंबर 30 प्रेजेंटेड बाय मी आदित्य दुबे। इन दिस लेसन वी विल लुक फॉरवर्ड टू सम इम्पोर्टेंट एमसीक्यू पर्टेनिंग टू एमपीपीएससी प्रिपरेशन। सबसे पहला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के अभी वर्तमान में डेप्यूटी चेयरमैन कौन बने, ओके, हु रिसेंटली बिकेम डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह रिसेंटली बिकेम द चेयरमैन और द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। अब अगर बात की जाए, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि राज्यसभा के चेयरमैन कौन है, तो ये हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वेंकैया नायडू जी। अगर बात की जाए राज्यसभा की चेयरमैन की, तो ये एक्स ऑफिशियो मीन्स वाइस प्रेसिडेंट जो रहता है इंडिया का, वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा बन जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा कौन थे, तो आप जानते होंगे जो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट हैं वही हमारे फर्स्ट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होंगे, तो ये थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि फर्स्ट डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा कौन है, तो ये थे एस वी कृष्णमूर्ति राव। काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, एस वी कृष्णमूर्ति राव वॉज द फर्स्ट डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। और अगर आपसे करंट अफेयर का पूछा जाए कि 2018 मींस अगस्त 2018 में डेप्यूटी चेयरमैन कौन बने राज्यसभा के, तो वो है हरिवंश नारायण सिंह जी। ओके, लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि क्विट इंडिया मूवमेंट ने रिसेंटली अपनी कौन सी एनिवर्सरी सेलिब्रेट की, ओके, विच एनिवर्सरी ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट रिसेंटली सेलिब्रेटेड। तो क्विट इंडिया मूवमेंट की अगर एनिवर्सरी की बात की जाए, तो ये अभी हाल ही में 76th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई, ऑप्शन बी 76। अब क्विट इंडिया मूवमेंट की डेट भी आप याद रखिएगा, ये जो मानी जाती है क्विट इंडिया मूवमेंट की, ये है 9th अगस्त 1942, और अभी हाल ही में इसकी 76th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई। क्विट इंडिया मूवमेंट जो था वो महात्मा गांधी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था और ब्रिटिश रेजिम के खिलाफ था। अब आपसे एग्जाम में दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड। पहली बात है कि क्विट इंडिया मूवमेंट का शब्द किसने कॉइन किया, मींस हु कॉइंड, मींस किसने ये शब्द दिया। तो ये पिछले साल एमपीपीएससी में भी आया था, और इसका सही आंसर है यूसुफ मेहर अली। यूसुफ मेहर अली कॉइंड द टर्म क्विट इंडिया। अगर बात की जाए हु गेव द स्लोगन, तो ये हैं महात्मा गांधी जी। ओके, मींस महात्मा गांधी जी गेव द स्लोगन ऑफ द क्विट इंडिया। मीन वाइल अगर बात की जाए हु कॉइंड द टर्म, तो ये थे मिस्टर यूसुफ मेहर अली। लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने रिसेंटली एक मोबाइल ऐप लॉन्च की है, तो उसका नाम क्या है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है ऑप्शन बी, दैट इज निर्यात मित्र। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने रिसेंटली अपनी एक ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है निर्यात मित्र। इसके माध्यम से इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में जो इंफॉर्मेशन होती है वो इस ऐप के माध्यम से मिल सकती है। ओके, तो वो है मिस्टर सुरेश प्रभु जी। ओके, सुरेश प्रभु इज द करेंट यूनियन मिनिस्टर फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि काली सिंध रिवर ओरिजिनेट कहाँ से होती है। ये स्टैटिक जीके है जो एमपी से डील करता है, तो आपको याद होना चाहिए रिवर जो काली सिंध है वो ओरिजिनेट होती है देवास से, और अगर देवास में भी स्पेसिफिक बोला जाए तो ये बगली गांव देवास से ओरिजिनेट होती है। अब आपको मैप दिखाना चाहूँगा, तो आप ये देख सकते हैं मैप, और ये बगली गांव जो है ये देवास में सिचुएटेड है, यहाँ से रिवर काली सिंध ओरिजिनेट होती है। अब काली सिंध की आपसे अगर एग्जाम में लंबाई पूछी जाए, तो ये है अप्रॉक्सीमेटली 150 किलोमीटर। ओके, तो ये है काली सिंध रिवर जो कि बगली गांव देवास से ओरिजिनेट होती है। अगर बात की जाए दूसरे ऑप्शन की रायसेन की, तो आप जानते हैं कि जो कुमरा गांव रायसेन है, ओके, कुमरा गांव रायसेन है, यहां से बेतवा नदी ओरिजिनेट होती है। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा रायसेन कहां पे है, तो आप ये देख सकते हैं ये है हमारा देवास, और देवास के यहां पे आप भोपाल देख रहे हैं, उसके बाजू में है रायसेन। ओके, तो ये रायसेन से क्या ओरिजिनेट होती है, रायसेन से ओरिजिनेट होती है बेतवा रिवर। और रायसेन की भी स्पेसिफिक अगर आपसे पूछा जाए, तो ये कुमरा गांव मींस कुमरा गांव रायसेन से बेतवा रिवर ओरिजिनेट होती है। अगर आपसे इसकी लंबाई पूछी जाए, तो याद रखिएगा अप्रॉक्सीमेटली 480 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगर बात की जाए आपसे इंदौर पूछा जाए कि इंदौर से कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है, तो आप ये जानते हैं कि इंदौर की जानापाव पहाड़ी से मींस मऊ चंबल से चंबल नदी ओरिजिनेट होती है। ओके, इंदौर की जानापाव पहाड़ी से चंबल रिवर ओरिजिनेट होती है। अब ये इंदौर कहाँ पे, ये मैप में आप देख सकते हैं, ये है इंदौर, यहाँ से यहाँ की जानापाव पहाड़ी से चंबल नदी ओरिजिनेट होती है। ओके, अगला क्वेश्चन, अगला मींस अगला फैक्ट देख लेते हैं कि सिवनी, सिवनी से कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है एमपी की, तो एमपी में सिवनी से बेनगंगा, ओके, बेनगंगा ओरिजिनेट होती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं आपको मैप दिखाऊं, सिवनी से बेनगंगा ओरिजिनेट होती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि
एग्जामिनेशन में जनरली पूछा जा सकता है कि कौन सी रिवर किस डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट होती है, और यहाँ पे हम सिंस दूसरे ऑप्शन से डील कर रहे हैं तो इसके भी फैक्ट हमें मालूम होना चाहिए। तो काली सिंध रिवर जो ओरिजिनेट होती है वो होती है बगली गांव देवास से। लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से क्या कौन सी फैक्ट सिवनी के बारे में सही है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इज ट्रू रिगार्डिंग सिवनी। तो सिवनी जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है एमपी का, आप देख सकते हैं यहाँ पे सिवनी है। ओके, इसको जाना जाता है लखनऊ ऑफ एमपी, मींस मध्य प्रदेश का लखनऊ के नाम से जाना जाता है सिवनी को। ओके, तो ये फैक्ट सही है। अगर बात की जाए दूसरे फैक्ट की, तो सिटी ऑफ लाइम से आप गैस कर सकते हैं इसको जाना जाता है कटनी को। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कटनी कहाँ पे है, यह कटनी जिसको सिटी ऑफ लाइम के नाम से जाना जाता है, और सिवनी को क्या जाना जाता है, एमपी का लखनऊ। ओके, अगर बात की जाए जिब्राल्टर ऑफ ईस्ट की, तो ये है ग्वालियर। आप ये देख सकते हैं ग्वालियर कहाँ पे है, तो ये ग्वालियर है, इसको कहते हैं जिब्राल्टर ऑफ ईस्ट। और अगर बात की जाए सिटी ऑफ लेक की, तो ये तो आप जानते होंगे ये हमारी कैपिटल है भोपाल। ओके, तो सिटी ऑफ लेक के नाम से किसको जाना जाता है, सिटी ऑफ लेक के नाम से जाना जाता है भोपाल को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हमने देखे। आई होप यू लाइक इट। इफ यू हैव एनी सजेशन और डाउट प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द यूट्यूब कमेंट सेक्शन। योर सजेशन आर ऑलवेज वेलकम एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। और यदि आप इस चैनल में नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज़ प्रीवियस प्लेलिस्ट जरूर ट्राई कीजिएगा, चाहे वो एमपीपीएससी मेंस पेपर 2 की हो, वर्ल्ड हिस्ट्री की हो, या असिस्टेंट रजिस्ट्रार की हो, या आप करेंट अफेयर की कोई भी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। इसके अलावा आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक ये दी गई है t.me/aditya-dubey-mpbsc, या आप फेसबुक में भी मुझसे जुड़ सकते हैं। फेसबुक की लिंक है facebook.com/aditya-dubey-mpbsc। आई होप यू आर डूइंग वेल। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। गुड लक। बाय बाय।